तमाम एडवर्टीजमेंट की वेबसाइट्स होती हैं जहां पे एक एड शो किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप 2,000 रुपए का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। इसके जी लिए सिर्फ आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। इसके बाद एक ऐप डाउनलोड का लिंक होता है जिसके थ्रू आप एक ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। जब आप ऐप इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगी जाती है, जैसे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन, गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन। जब ये परमिशन यूजर दे देता है, इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उस ऐप को डिजाइन किया है उसके पास जी आपकी पूरी फोन बुक चली जाती है, पूरी गैलरी चली जाती है। जनरल तौर पे यूजर ये सोचता है कि अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो सिर्फ ये अलाउ करने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ अलाउ जी करने से हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हर एप्लीकेशन का एक बैकएंड का पैनल होता है, जितनी भी परमिशंस हम अलाउ करते हैं वो सारी परमिशंस का एक्सेस उस एप्लीकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जब थोड़ा बहुत 2,000-3,000 का लोन जब व्यक्ति को दे दिया जाता है, इसके बाद फिर अगले दिन से उसके पास कॉल्स आने लगते हैं, उससे कहा जाता है कि आपने जो 2,000 दिया था वो अब 4,000 रुपए हो चुका है, तो आप तुरंत 5,000 रुपए 4,000 रुपए जमा करो। अगला व्यक्ति अगर असमर्थता दिखाता है ऐसा करने में तो क्या करते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उसके सारे कॉन्टेक्ट्स को भेजा जाता है, उसके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज कही जाती है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें ये बताया गया कि पिछले 1 साल में लगभग 63 लोगों ने सुसाइड किया है सिर्फ इन्हीं ऐप से प्रताड़ित होकर के। इस जी वजह से सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय ये जरूर दिमाग में रखें कि जो परमिशंस आप दे रहे हैं, लोग सोचते हैं कि हमने अगर फोन में कोई ऑब्सीन फोटोग्राफ क्लिक करी तो ये सिर्फ हमारी फोटोग्राफ्स हैं, सिर्फ ये मेरे पास है। लेकिन जी हम आपके माध्यम से आपके यूजर्स को अवेयर करना चाहेंगे कि आपके फोन की गैलरी में रखी हुई इमेजेस सिर्फ आपकी नहीं है, वो इमेजेस उन सभी एप्लीकेशंस की हैं जिनको आपने गैलरी का एक्सेस दे रखा है।